আজব ইনডোর স্টেডিয়াম। ছয় বছরেও নির্মাণ হলো না হাইলাকান্দি গ্রামীণ ক্রীড়া প্রকল্প। হাইলাকান্দির এক আজব ইনডোর স্টেডিয়াম। 6 লক্ষ টাকা ব্যয় সম্পন্ন এই ক্রীড়া প্রকল্প বর্তমান ভূত বাংলায় পরিণত হয়েছে। ছয় বছর পরও নির্মাণ সম্পন্ন হয়নি এই ইনডোর স্টেডিয়ামের। গ্রামীণ ক্রীড়ার বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে হাইলাকান্দি শহর সংলগ্ন সরসপুর গ্রামে পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগ 2014-15 সালে একটি ইনডোর স্টেডিয়াম নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছিল। প্রথম অবস্থায় প্রায় 30 লক্ষ টাকা খরচ করে এই ইনডোর স্টেডিয়ামের নির্মাণ কার্য শুরু করা হয়। কিন্তু এরপর কোনো এক রহস্যজনক কারণে এই ক্রীড়া প্রকল্পের নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ হয়ে থেকে যায়। বর্তমান সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে এই ইনডোর স্টেডিয়ামটি। নতুন সরকারের কাছে এই প্রকল্প নির্মাণের কাজ পুনরায় শুরু করার দাবি জানিয়েছেন হাইলাকান্দিবাসী। हालात सर देखिए, यहाँ पर तो 15-16 अंग्रेजी में हम लोग लिया था स्कीम, तो 1-1.5 साल धूमधाम से काम चला, पेमेंट भी टाइम टू टाइम होते गया। अभी बाद में क्या हुआ, वो हमारा जो इसका फंड है वो फंड रिलीज नहीं हो रहा है, और ब्लॉक से जो इंजीनियर BDO इन लोग भी इसमें इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग बार बार उनको जाके बोला है कि इसको कम्प्लीट कीजिए, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। आज से 3-4 दिन पहले हमारा DDC सर इधर आए थे, उनको भी हम उतार के दिखाया, वो भी बहुत दुखी हुए देखकर, और उन्होंने बोला कि आप रिटेन एक दो हम देखेगा। तो MGNREGA का स्कीम है, जो उस टाइम का इसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू ग्रामीण क्रीड़ा प्रकल्प। तो ग्राम का लड़का लड़की लोग यहाँ पर खेलते हैं, अब पूरा दिन यहाँ पर लड़का लोग का भीड़ होता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है तो बस्ती वाला का टीम 4 आते हैं, बगान के 2 आते हैं, यहाँ पर एक टाइम में खेलने का मुश्किल हो जाता है। वॉलीबॉल का भी कोर्ट 1 होता है। तो ये जगह जो है, इसको बना के हम लोग का अल्टीमेटली जगह को नुकसान किया है, कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, वो जो आप लोग देख ही रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग का चैनल के थ्रू से मैं गवर्नमेंट का नज़र में लाना चाहता हूँ कि हमारा ये कम से कम जल्दी से जल्दी इसको कम्प्लीट किया जाए। धन्यवाद। ऐसे कितना रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट हुआ? इसमें यहाँ पर 26-27 लाख रुपया इन्वेस्ट हो गया है, और स्कीम टोटल 57 लाख का था, 57 लाख समथिंग। तो अभी भी 25-26 लाख रुपया हमारा रह गया है। तो इसको MGNREGA का एक सिस्टम है कि आपको बिल एंट्री करना पड़ता है नेट में, उसका MGNREGA को वेबसाइट में। पता नहीं किस तरह से हमारा जो एंट्री किया हुआ बिल था वो डिलीट हो गया। तो हम जो MIS मैनेजर था उस समय आमिर हुसैन लश्कर, उसका पास बार बार गया, BDO के पास गया, CO के पास गया, लेकिन दोबारा वो बिल और एंट्री हुआ नहीं, और इसका यह हाल हो गया।